देखिए, 4 तारीख को जो दिल्ली में हल्ला बोल रैली है रामलीला ग्राउंड में, कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजन की जा रही है, वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं आज, महंगाई है, बेरोजगारी है और आपका जो अग्निपथ जो फौज में भर्ती कर रहा है उसके खिलाफ जो हमारे वो रैली है हल्ला बोल, ताकि इस सरकार को पता लगे कि लोगों की भावना क्या है। तो ये पूरी जोर शोर से वहाँ उनकी इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और उसी के संदर्भ में आज जो साथी आए थे हमारे कार्यकर्ता, उनमें बड़ा भारी जोश है और हरियाणा की काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन होगी इस बैठक में। पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तो कहा जा सकता है कि सारा दारमदार उस रैली को कामयाब करने का हरियाणा का रहने वाला है। नहीं, हरियाणा की अच्छी पार्टिसिपेशन होती है, होगी पार्टिसिपेशन जो दिल्ली के तीन तरफ है हरियाणा। तो सर, ये आप ये मानते हैं कि हरियाणा में जो आप लगातार कहते हैं कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर वन हो गया है, हरियाणा में महंगाई लगातार बढ़ रही है, इन तमाम मुद्दों के चलते हरियाणा के लोगों में एक तरीके से सरकार के प्रति नाराजगी, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे? तो है ही नाराजगी, तो है ही हर वर्ग में जी। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है, गरीब आदमी का जीवन दुर्लभ हुआ हुआ है, मध्य वर्गीय लोग हैं उनको भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो हर आदमी परेशान है महंगाई से और बेरोजगारी से। जिस बड़े लेवल पर ये रैली होने वाली है, तो क्या सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? जो विपक्ष का काम है वो हम करेंगे, विपक्ष का काम है लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की आवाज़ बन के उभरना, वो काम करना। सर, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम आपका जो होना था उसमें अभी कुछ तब्दीली करने का विचार है, चूंकि पंचायत के चुनाव घोषित होने के संकेत मिल रहे हैं? हाँ, लगता है पंचायत के चुनाव जल्दी घोषणा होने वाली है, तो इस वास्ते 11 तारीख को जो होनी थी यमुनानगर में, उसकी तिथि हमने जो है उसको पोस्टपोन कर दी है। अब तिथि रखेंगे उसके बाद जब ये चुनाव पंचायत के चुनाव होने और धान का सीजन डाले फिर जी। सर, ये जो सोनाली फोगाट के मामले में परिजन जो मुख्यमंत्री से मिले हैं सर शनिवार की देर रात को, सीबीआई जांच की मांग की, सर आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं तो पहले ही कहा था जब उनके परिवार की तरफ से मांग आई थी सीबीआई की जांच, शक का दायरा वहाँ पर है, बड़ा गंभीर मामला है, जांच होनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए। देखिए, मैं इसी वास्ते कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए, गंभीर मामला है, और क्योंकि क्यों हत्या की, किसने की, क्या किया, ये मुद्दे, ये बातें जांच से ही आ सकती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।